गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास. वी वर डूइंग क्वेश्चन आंसर ऑफ पोएम बुक्स. इन क्वेश्चन आंसर वी हैव रिटन पार्ट ए में वन और टू पार्ट हम कर चुके हैं. टुडे वी विल राइट कंप्लीट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट इसका ए पार्ट में जो थर्ड पार्ट है आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो पोएम के अंदर से जो है आपके स्टैंजे से लाइनें दी हुई हैं उन्हीं के बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो थर्ड में लाइन जो है वो है स्टैंजे से और वी सेल अलोंग द पेज टू सम अदर लैंड और एज कि हम क्या है बह जाएंगे पेज के साथ में जैसे बुक रीड करते हैं उसके साथ साथ चले जाते हैं टू सम अदर लैंड उसी लैंड पर और एज में उसी टाइम में चले जाते हैं जब हम कोई स्टोरी या बुक रीडिंग करते हैं जो उसमें कैरेक्टर या जो स्टोरी दी हुई होती है उसमें. तो इसी के बेस्ड क्वेश्चन बनता है आपका व्हाट इज फीलिंग कन्वेड व्हेन द स्पीकर यूजेस द वर्ड सेल कि किस तरह की फीलिंग जो है वो बताई गई है जब स्पीकर यूज करता है वर्ड सेल को. देन आंसर इज व्हेन वी रीड एनी बुक जब हम कोई भी बुक रीड करते हैं वी फील ट्रांसपोर्टेड इनटू लवली लैंड ऑफ द स्टोरी तो हम फील करते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट हो गए हैं चले गए हैं उसी लवली लैंड पर ऑफ द स्टोरी स्टोरी की एज इजीली एज सेलिंग ऑन वाटर इतना ही आसानी से जितना सेलिंग करते हैं वाटर पर. ठीक है नेक्स्ट है फिर ए पार्ट का फोर्थ पार्ट है जो हेयर इज आर बॉडी इन द चेयर बट आर माइंड इज ओवर देयर. पोएम में कहा गया है हमारी बॉडी तो उसी रूम में रहती है चेयर पर बट आर माइंड इज ओवर देयर लेकिन हमारा माइंड वहाँ नहीं रहता वो कहाँ चला जाता है उसी स्टोरी में उसी टाइम में उसी एज में. तो इसी बेस्ड क्वेश्चन है आपका फोर्थ पार्ट में ए पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर ए वेयर इज द माइंड एट दिस पॉइंट. वेयर इज द माइंड एट दिस पॉइंट इस पॉइंट पर माइंड कहाँ है तो आंसर इज आर माइंड When we read is in the our mind हमारा mind when we read जब हम पढ़ते हैं is in the land वो उस धरती पर है and time of the story जो time है story की उनमें जो age है उसके बारे में बात हुई है हमारा mind वहाँ है. Next is fourth part का ही question number B है why is there a distance between the mind and the body. इसमें माइंड और बॉडी के बीच में डिस्टेंस दूरी क्यों दिखाई गई है कि बॉडी तो उसी रूम में है और हमारा माइंड वहाँ से चला गया है. तो आंसर इज बिकॉज व्हेन वी रीड जब हम पढ़ते हैं आर बॉडी इज इन द रूम हमारी बॉडी तो रूम में है बट द माइंड इज इन अनदर लैंड और टाइम लेकिन हमारा माइंड जो है वो दूसरे लैंड पर और दूसरे टाइम में फिक्स होता है चला जाता है. क्लियर नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट का ही जो है क्वेश्चन नंबर सी व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इज दिस ये किस तरह की फीलिंग है डज इट मेक यू फील अनकंफर्टेबल और हैप्पी क्या आपको ये जो है क्या आपको ये फील कराते हैं अनकंफर्टेबल या फिर हैप्पी. आंसर इज इट इज ईजी लविंग एंड स्मूथ फीलिंग ये बहुत ईजी प्यारी सी स्मूथ फीलिंग है. वी गेट थ्रू रीडिंग जो हम रीडिंग के थ्रू प्राप्त करते हैं मेक्स अस कंफर्टेबल जो हमें कंफर्टेबल करती है. नेक्स्ट है ए पार्ट में फिफ्थ में ईच बुक इज अ मैजिक बॉक्स प्रत्येक बुक जो है वो एक मैजिक बॉक्स है. तो क्वेश्चन इस बेस्ड है क्वेश्चन आपका ये व्हाई डज द स्पीकर रेफर टू अ बुक एज अ मैजिक बॉक्स हमारे स्पीकर ने बुक को मैजिक बॉक्स के रूप में क्यों बोला है रेफर क्यों किया है. एन आंसर इज बिकॉज बुक्स हैव डीप नॉलेज क्योंकि बुक्स में गहरा नॉलेज होता है इन दैम इन में दे गिव नॉलेज ऑफ आर हिस्ट्री ये हमारे इतिहास हमारी हिस्ट्री का हमें नॉलेज देती हैं एंड इन्वेंशन डिस्कवरी और प्रेजेंट ऑल्सो प्रेजेंट की डिस्कवरी के बारे में भी हमें नॉलेज देती हैं. क्लियर नेक्स्ट है बी पार्ट आपका क्वेश्चन
How does the speaker convince us that reading books is a magical experience? हमारे जो स्पीकर हैं, जो हमारी पोइटर्स है, वो हमें कैसे कन्विंस करती है दैट कि जो रीडिंग बुक्स है इज अ मैजिकल एक्सपीरियंस, बिल्कुल एक जादूमय अनुभव है बुक रीडिंग. तो आंसर इज शी कन्विंसिस अस बाय सेइंग दैट, वो हमें कन्विंस करती है ये कहकर कि बुक्स अनलॉक्ड द रीडर्स माइंड, बुक जो है वो रीडर के माइंड को अनलॉक कर देती हैं, खोल देती हैं. एंड रीडर गेट नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, और रीडर जो है वो वर्ल्ड के बारे में इनसे नॉलेज प्राप्त करता है. बुक रीडिंग इज कॉल्ड मैजिकल एक्सपीरियंस, बुक रीडिंग को मैजिकल एक्सपीरियंस कहा गया है बिकॉज, क्योंकि लाइक अ मैजिक, एक मैजिक की तरह वी फाइंड अ न्यू लविंग वर्ल्ड थ्रू रीडिंग, रीडिंग के द्वारा हमें एक बड़ा ही नया प्यारा सा वर्ल्ड मिलता है. क्लियर? तो ये हुए आपके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज राइट क्वेश्चन आंसर इन नोटबुक एंड लर्न पार्ट ए के 1, 2, 3 जो क्वेश्चन आंसर पार्ट बनते हैं वो आपने लर्न करने हैं. टुमारो वी विल स्टार्ट योर ग्रामर बुक. ओके.